बताने जा रही हूँ, अगर किसी के दिल से मोहब्बत को ख़त्म करना, अगर आपने किसी के दिल में अगर मोहब्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसा कि दो तरह से आप इस अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, हमेशा अमल को शरी लिहाज से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर काम करेगा, और अगर आप अल्लाह की हदूद से हटकर अमल को इस्तेमाल करते हो तो वो हो सकता है उल्टा आप ही के ऊपर आ जाए। ये अमल सिर्फ उन बहन भाइयों के लिए है जिनके जैसा कि किसी का ऐसा तल्लक है जो वो लोग नहीं पसंद करते, या कोई वालदैन वगैरह हैं तो वो लोग वालदैन जो हैं किसी से अपने बच्चे का तल्लक नहीं पसंद करते, कोई दोस्त हो जाता है कोई जो उनको नहीं पसंद आता, फिर ये अमल आप कर सकते हो। अगर हरूफ तवा यानी कि हरूफ ता भी है और तवा भी है, 909 मरतबा लिख कर नीचे आपने मतलूब का नाम लिख कर और सिर्फ मीठे पानी में घोलकर अगर आप पिला दो, जिससे भी आप मतलब कि मोहब्बत ख़त्म करवाना चाहते हो उसको पिलाना है, तो फौरन इश्क जोंजा है उसका जायल हो जाएगा और उसके दिल में इतनी नफरत पैदा हो जाएगी, और जो जिससे दिल से मतलब कि वो मोहब्बत करता था या मतलूब से मोहब्बत करता था उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, और जिसने पिलाया होगा उसका इश्क उस पर गालिब हो जाएगा, यानी उसके इश्क की या मोहब्बत की जो तलब है वो उसमें पैदा हो जाएगी। जैसा कि आप लगा लें कि अगर वालदैन से कोई बच्चा मोहब्बत नहीं करता या कोई बच्चे से वालदैन मोहब्बत नहीं करते, तो वो ये भी कर सकते हैं, कोई अजीज़ो कारीब के लिए भी कर सकते हैं, अल्लाह की हदूद में रहकर करें, वरना इसका उल्ट भी हो सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत नया अमल है और इसको करने की इजाज़त उसको है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। अल्लाह हाफिज़। खूब का नक्श दिया जाए यानी मोहब्बत का, चाहत का नक्श दिया जाए जिससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाए, और इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। उसका इस्तेमाल, उसका तरीका इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश की जाती है, अगर आप सिंसियर हैं और वो नक्श हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर जो है हमसे बात करें। उसका थोड़ा सा हदिया है, वो पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि उसका हदिया आपको ज़रूर देना पड़ेगा, वरना वो नक्श कभी काम नहीं करता। ठीक है, उसका जो मुकलीन का ज़ाहिर आपको पता है अमलियात का लिया हुआ नक्श है, और बहुत मुश्किल से हमें भी वो मिला था, तो काफ़ी पढ़ाइयों के बाद और मतलब के जैसे जिला काटने के बाद वो नक्श तैयार किया गया था, और वो बहुत जलाली नक्श है। तो इंशाल्लाह आपको वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको उसका हदिया अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हदिया इतना ज़्यादा नहीं है, आप उसका हदिया जो है दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत जो है ताकतवर नक्श है, उसका ख्याल रखिएगा और उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप हमारा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट्स करें, और वो लोग बस रब्ता करें नंबर के लिए जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमलियात सीखना चाहते हैं या अपनी कोई मुश्किल हल करवाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर बहुत से जो हमने वज़ाइफ आपको पेश किए हैं, अमलियात पेश की है, रूहानी इलाज की मुकम्मल सर्विस दी जा रही है। दुनिया भर के परेशान हाल लोग अपने मसले और परेशानियों के लिए, बेरोज़गार जो लोग हैं और जिन्नात जादू के मामलात का हल करवाने के लिए इस सब जो सर्विस दी जा रही है उससे काफ़ी लोग जो हैं फैसियाब हो रहे हैं, और पूरी कोशिश की है कि अपनी बहनों की मदद की जा सके, भाइयों की मदद की जा सके, और अगर हमें कोई नक्श वगैरह भी उनको सेंड करना पड़े हम वो भी उनको भेजेंगे बजरिया डाक के जरिए, या फिर कोई चीज़ भेजनी होगी वो भी इंशाल्लाह भेजेंगे ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। किसी को जिन्नात जादू या घर में कोई ऐसी मसला है या बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, काला जादू जैसे सफली जादू, जिन्नात नजरे बद, और जैसे शादी के मसाइल होते हैं, पसंद की शादी के मसाइल होते हैं, तलाक का मसला होता है, कारोबार की बंदिश कर दी जाती है, कोई कारोबार कोई ठीक हो नहीं रहा था, वो अच्छा कारोबार भी खराब हो रहा होता है, तालीम का मसला होता है और बाहर मुल्क जाने का मसला होता है, रिश्ते की बंदिश, मोहब्बत वगैरह के जो होते हैं वो मैंने काफ़ी अमल आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं जो शरीयत के लिहाज से हैं, और सास वगैरह का ये जो मसले होते हैं इनके लिए जो कुरान पाक जो है तालीम दी जाती है उसमें से आपको जो भी बेहतर होगा वो हम बताएंगे, और जैसे शोहर नाराज़ हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, इन तमाम मसलों के हल के लिए इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हम आपको नंबर भी देंगे, लेकिन सिंसियर लोग जो हैं वाकई ही जो हमारी बात को समझते हैं वो लोग रब्ता करें। और एक बात, आपको जो नंबर दिया जाएगा वो मेरे उस्ताद
मेरे जो पीर हैं उनका नंबर है, मेरे चचा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनका नंबर दिया जाएगा, भाई लोग जो हैं वो उनसे बात करें, और ख़वातीन जो हैं उनसे बात करके हम तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, ख़वातीन हमसे बात कर सकती हैं या फिर वो जो है उनसे भी बात कर सकती हैं, उनको नंबर दिया जाएगा। नंबर दो बात ये है कि अगर बहुत से लोगों की फरमाइश है, यहाँ तक कि 1,000 से ज़्यादा लोग जो हैं हमसे कहते हैं कि प्राइज बॉम, वट्टा, लॉटरी, इन सब के बारे में जो है मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह की है तो वो उनसे बात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जितनी भी हो सके आपकी मदद की जाएगी इस्लामी तरीकों के हिसाब से। इजाज़त दें, मेरी अगर बात समझ आती है तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो सन्सियर हैं, वाकई ही अमल करना चाहते हैं और अमलियात में आना चाहते हैं। बेफजूल लोग जो है रब्ता ना करें, टाइम वेस्ट मदरसों वालों का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से चैनल बनाया गया है, तो आपकी मेहरबानी है इसको जो है इसका गलत तरीका इस्तेमाल ना करें, सन्सियर लोग बस रब्ता करें। और 2 या 3 मैसेज में अपना तमाम मसला बयान करें, ज्यादा मैसेज ना करें, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर होगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का आसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू, जिन्नात, असेब, किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो, तो अपनी इस बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का, किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फर्ज निभाएं।